दोस्तों नमस्कार, मैं शशिनाथ ठाकुर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाथ इन्वेस्टमेंट। आप देखेंगे एक्सीडेंट आज एक कॉमन हो गया है। यहाँ पे उसका एक्सीडेंट, वहाँ पे इसका एक्सीडेंट, आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। तो आप लोग एक मामूली सा प्रीमियम भर के, यानी 5,000 भरेंगे साल का, और उसमें 50,00,000 का एक्सीडेंटल पॉलिसी रहेगा। भगवान ने करे कुछ होता है, आपके फैमिली को 50,00,000 मिलेगा, सिर्फ साल का 5,000 भरना है। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। ये रही मंदा मात्रे आमदार, बेलापुर विधानसभा विधायक मंदा मात्रे। नवी मुंबई में प्रस्तावित सरकारी चिकित्सा अस्पताल के प्लॉट रेट में 50% की कमी करने में सफल रही मंदा मात्रे ने। नवी मुंबई के CBD बेलापुर में प्रस्तावित सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के लिए प्लॉट का आरक्षण कर अस्पताल की व्यवस्था की दिशा को पहला कदम उठा लिया है और यह सफल रहा है। अब उन्होंने सिड़कों ने जो अभी का रेट है, क्योंकि ये प्लॉट है वो प्राइम लोकेशन पे है, फिर भी सोशल प्लॉट की जो डिमांड थी वो 107 करोड़ की थी। अभी राज्य शासन से जो मेडिकल कॉलेज के लिए जो फैसिलिटी प्लॉट के लिए दी जाती है मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज को जो रेट लगाते उस रेट से हमारा कम से कम 47 करोड़ आज महानगर पालिका के ये बच गए हैं। और इसके लिए कम से कम हम लोग सभी मिलके बहुत बार मीटिंग के, और कम से कम 1.5 साल लग गए इस बात के लिए। ये सरकार के विचार विनय से न किसी को भाड़े से देख सकते, न किसी को बेच सकते। ये डाल के लिया है, मैंने खुद डाल के लिया है, ताकि ऐसा नहीं हो कल हम मरने के बाद कोई आए और ये बेच के खा के निकल जाए। तो हम इतने साल से प्रयास कर रहे हैं लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, ये आम पब्लिक के लिए ये काम हो रहा है, ये आम पब्लिक के लिए हो रहा है, और आम पब्लिक के लिए ये हमेशा के लिए रहना चाहिए। इसलिए हम लोग ने एक क्लॉज ही डाल के लिया है कि जो भी परवानगी होगी सिड़को और शासन करेगी, पालिका के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अभी मुंबई में कोविड आया तभी से एक ये था कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उसके लिए हमने सिड़को के पास डॉक्टर संजय मुखर्जी के पास जगह का अप्लीकेशन किया। उन्होंने बोला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पास मीटिंग होनी जरूरी है, और मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल देकर अधिकारी जो गगरानी साहब है, सचिव है मुख्य, और हमारे MD संजय मुखर्जी, उनको मैं दोनों तीन चारों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारी नवी मुंबई को एक अच्छी भेंट दी है उन्होंने। 50% पैसा कम करके हमको एक बहुत बड़ा दिलासा नवी मुंबईकरों को दिया है, और हमारा काम अभी स्टार्ट हो जाएगा क्यों जो रुका था 1.5 साल से। अभी महानगर पालिका के आयुक्त भी बोले हम तुरंत पैसा भर देंगे और काम तय स्टार्ट कर देंगे, 3 साल लग जाएंगे काम पूरा होते होते। मगर अभी जिस स्पीड से हम लोग ने ये काम करके लाया उसी स्पीड से हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज का काम बनेगा। हेडलाइन करते आपके चैनल में, मीडिया में खाली हेडलाइन करने का, बताने का, ये कम करके दो, ये फ्री में दो। मुझे बताओ ना, 25 साल में इधर किसी ने करके कुछ दिखाया है क्या? कुछ नया प्रकल्प राज्य शासन से लाया है क्या? अभी आपने देखा मेरा ये लाइब्रेरी बन रही है, स्मार्ट विलेज बन रहा है, बड़े बड़े प्रकल्प आ रहे हैं, महाराष्ट्र भवन बन रहा है। तो ये बोलने के लिए तो सभी हेडलाइन करते हैं कि ये कम करो वो, असली में तो हम कम करने के लिए पहला लेटर दिया है, मैं आपको पहले भी बताया। मगर ये सरकार जो रहते हैं उनके सरकार को सरकार की ज़मीन देना है, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मुख्यमंत्री का लेटर आना चाहिए, मुख्यमंत्री ने बोलना चाहिए। ये सब बातें रहते हैं, 10 टेबल पे फाइल घूमती है तब जाके बनते, ऐसे नहीं लेटर दिया फोटो निकाला और हो गया। मेरे को कितने टेबल पे घूमना लगा तो ये लोग को पता है, ये सब ये दोनों तो खास मेरे साथ हमेशा हर मीटिंग में रहते हैं, इनको सबसे पता है कि कितना टेबल पे से। अभी भी सिड़कों का लेटर एक टाइप हो रहा है आपके लिए सही कीमत का, ये अभी शासन का लेटर आ गया मेरे नाम से। अभी अगर मैं काम नहीं करती तो मेरे नाम से लेटर क्यों आएगा? अड़चने तो लाने वाले बहुत इधर है, काम करने वाले बहुत कम है, खाली अभी ये होने तक भी कितने अड़चने आएगी, मगर हम डरते नहीं है। मैं मंदा जी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि रोक बाय ठोक। मुंबई रेलवे न्यूज सबसे आगे, सबसे तेज, जनता के हित के लिए हमेशा तत्पर।